नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई एक और नई वीडियो में। भाई साहब, जो किसान भाई बोल रहे थे कि भैया सीडर लेना है पर ब्रांडेड लेना है, मतलब कि ऐसा चले कि भाई साहब एक बार ले लो और कम से कम 10 से 15 साल बोलना ना पड़े, तो भैया आज आपके लिए खुरई मेड जो सीडरल्स हैं उसमें भाई साहब श्री विजय कंपनी का ये आपको जो कि सीडरल दिखाने वाले हैं। साथ ही भाई साहब इसमें अपन पूरी बात करेंगे कितने टांग का है, कितने टांग में और इसमें ऐड करवा सकते हैं, क्या कैसी सिस्टम है, किस तरीके की इसकी मेटल बिल्ड क्वालिटी है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो से मैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आकर भैया इसकी स्पेसिफिकेशंस में। सबसे पहले अपन बात करें तो भाई साहब ये खुरई मेड है, तो खुरई मेड डिज़ाइन में आपको सबसे पहला जो मिलती है भाई साहब वो मिलती है सबसे हैवी पेंट क्वालिटी, मतलब ये भट्टा वाला पेंट जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला पेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि लंबे समय तक ऑपरेट कर पाओगे आप और भाई साहब पेंट क्वालिटी आपकी ख़राब नहीं होती है। साथ में अपन बात करें भाई साहब यहाँ पर फ्रंट में आपको जो बुश जो जितने भी इसमें बुश लगाए गए हैं भैया, सब पीतल बुश के हिसाब से लगाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हो प्रॉपर कंपनी ने ब्रांडिंग भी की हुई है पीतल बुश की। और यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब इस पट्टे को आपको एडजस्ट करना है, कुछ भी करना है तो प्रॉपर आपको एडजस्टमेंट दी जाती है, नट दिए जाते हैं जिससे कि आप प्रॉपर एडजस्टमेंट कर पाओगे। चेन को टाइट करना है, ढीला करना है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे ग्रीसिंग पॉइंट्स भी दिए जाते हैं व्हील को ग्रीस करने के लिए। साथ में यहाँ पे चेन के लिए प्रॉपर एक कवर भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है किसान भाई गीले में भी बोनी कर देता है तो चेन का जो खराब होने की समस्या है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। साथ में पहले हमने देखा था भाई साहब यहाँ पर जो जैक आता था वो नॉर्मल टाइप आता था, मतलब हाइड्रोलिक टाइप आता था, जिससे क्या होता था कि भैया जो चक्का है वो काफ़ी ज़्यादा जंप करके चलता था। पर अब यहाँ पर आपको नट बोल्ट टाइप देखने को मिल जाता है जिससे कि भाई साहब जंप तो करेगा करेगा लेकिन इसके जो जैक की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में अपन बात करें भैया इस सीडरल की तो तीन और दो पाँच, पाँच चार नौ, नौ टाइन का एक सीडरल है। और अपन बात करें भाई साहब यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए भी आपको काफ़ी सारे प्रोविजनल पॉइंट्स दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोविजनल पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप अगर इसकी टाइम्स की दूरी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। फिलहाल में ये भाई साहब 7 इंची पर सेट है, मतलब कि 7 इंची फसल से फसल की दूरी जो है पेड़ से पेड़ की दूरी है वो 7 इंची है। जो किसान भाई चाहता भी है 9 इंची करना है तो इसको थोड़ा सा एक टांग निकाल के उसको एडजस्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती, मतलब फुल्ली मल्टीपल एडजस्टेबल सीडल कह सकते हो आप इसको। साथ में आप अपनी पेटी को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना चाहते हैं तो इन नटों के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब इसमें आपको जो यहाँ पर जो क्लैम्प्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा के दे दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर अपन बात करें जो सीडल का मेन हार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं भैया इसका नेत बनाने का, इसका जो मार्किंग सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम भाई साहब आपको लगभग लगभग 5 क्विंटल तक माल एक एकड़ में गिराने की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मतलब कि भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हो 0, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल ऐसा करके आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि भैया बहुत सारा माल गिराना है वो भी एक ही एकड़ के अंदर गिराना है तो भैया वो आप इस सीडरल के अंदर प्रॉपर कर सकते हो। और भी और अपन बात करें भाई साहब ये जो सीडरल है ये सुपर हैवी मॉडल है, वो जो कि खुरई मेड आपको देखने को मिलेगा। अपन बात करें भाई साहब ये पेटी में अपन बात करें तो भाई साहब सिंगल पेटी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप अगर पेटी को डबल टाइप लेना चाहते हैं तो डबल टाइप भी मिल जाएगी। और यहाँ पे अपन खोल के देखें भाई साहब तो यहाँ पर आपको एक एक क्लैंप इस तरफ देखने को मिल जाता है। ये खोल के अपन देखते हैं भाई साहब इसको, ये खोल गया इस तरफ का क्लैंप भाई साहब, ये खोल गया पहला साइड का क्लैंप, ये खोल गया भाई साहब दूसरे साइड का क्लैंप। अब इसको अपन भाई साहब चेकआउट करके देखते हैं कि भाई साहब इसमें कितना क्या माल जो है कि अंदर आता है। तो भाई साहब यहाँ पर देखो सिंगल टाइप पेटी है भैया और इसमें अपन बात करें ये पूरा कवर्ड है फिलहाल में, मतलब कि इसको ओपन नहीं कर सकते हैं आप। तो इसको जो है कि भाई साहब यहाँ पे अपन सिंगल पेटी में आपको DAP ही उसी में मिलानी पड़ेगी। साथ ही भाई साहब इसमें आपको जो है कि आपका जो गेहूँ है या मटर है या जो भी चीज़ आप बोना चाहते हैं तो भैया वो आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब कि भाई साहब सिंगल पेटी और डबल पेटी दोनों सिस्टम आप पर्याप्त मात्रा में आपको लेना है तो भाई साहब ले सकते हैं। साथ में चाड़ा वगैरह की अपन बात करें तो भाई साहब मेटल के ही देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि इनमें भाई साहब नॉर्मली आपको टूटने फूटने की जैसे प्लास्टिक के चाड़ा होते हैं तो वो टूट फूट जाते हैं तो इनमें आपको वो शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। और साथ में यहाँ पर रस्टिंग के लिए भाई साहब यहाँ पर भट्टा पेंट लगाया गया है, भट्टा पेंट मतलब कि इसमें रस्टिंग कम से कम 10 से 15 साल तो आपको देखने को नहीं मिलती है।
साथ में यहाँ पे अपन बात करें भाई साहब आपको जो है कि चाड़ों को एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड के चाड़े हाफ हाफ आप एडजस्ट कर सकते हो। एक तरफ आपको माल कम गिराना है, ज्यादा गिराना है, एक तरफ ज्यादा गिराना है, दूसरी तरफ जैसा भी आप सिस्टम चाहते हो। तो दोनों साइड आपको लीवर देखने को मिल जाते हैं, एक लीवर ये दिया हुआ है और एक लीवर आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। तो आप दोनों साइड के चाड़ों को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। साथ में यहाँ पे आपको मक्का की बोने के लिए अगर आपको स्पेशली एक जो आगे फिटिंग आती है उसमें भाई साहब आपको यहाँ पर एक पेटी देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा, और उसमें भाई साहब क्या होता है कि आंगों की टाइम्स में ऑपरेट ना करके पीछे की टाइम्स में ऑपरेट किया जाता है और वो 9 इंची के आसपास का बोया जाता है कि 18 इंची के आसपास बोया जाता है। तो उसके लिए सेपरेट खाद के लिए अलग आपको देखने को मिलेगा और बीज के लिए अलग पोर देखने को मिल जाता है। और पोरों की बात करूं तो भाई साहब आपको यहाँ पर प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट पोर ही देखने को मिलते हैं कंपनी की तरफ से। तो भाई साहब ये वीडियो आपको खुरई के विजय सीड ड्रिल के बारे में, श्री विजय सीड ड्रिल के बारे में कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो फॉलो मारो। जय जवान जय किसान।